वेलकम टू माय चैनल क्रैक एग्जाम विद निगुण। आज हम एनआईलिट के सिलेबस एंड उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से एनआईलिट का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक का जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। जो एनालिट का जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है आप सब आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो 120 क्वेश्चन होने वाले हैं और 3 आवर्स का पेपर है। 3 आवर्स का हमारा पेपर है और जो एक क्वेश्चन होगा उसका 1 मार्क मिलेगा और 0.25 मार्क का नेगेटिव भी मिलेगा। तो वो हमारे लिए कॉमन होता है जब 1 मार्क्स सिंगल मार्क्स और 1 मार्क्स जब भी होता है तभी 0.25 और 1/4 नेगेटिव होता ही है। तो आप सब देख रहे होंगे जिसमें हमें दिया हुआ है इसमें से जो 120 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें 65 जो क्वेश्चन होने हैं वो टेक्निकल फील्ड से होने वाले, अपने डिसिप्लिन से होने वाले, और जो 35% रिमेनिंग है वो जनरल अवेयरनेस, एनालिटिक रीजनिंग, क्वान्टिटी एंड क्वालिटी एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड में से होने वाले हैं। इसमें आप सब देख रहे हो इसमें कट ऑफ मार्क्स भी दिया हुआ है। रिटर्न टेस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 50% होगा जो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते, 40% होगा जो ओबीसी कैटेगरी में आते और 30% होगा एसटी एसटी पीडब्ल्यू के लिए। ओके, तो अभी हम अब बात करते हैं कि किस तरह से हमारा जो सिलेबस रहने वाला है टेक्निकल फील्ड के लिए। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो जनरिक एरिया में फिर से आप सबको बता दूं कि जो वो होने वाला है लॉजिकल, एनालिटिक रीजनिंग कैपेबिलिटीज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी एबिलिटीज एंड जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। इसमें से 35% मार्क्स आने वाले हैं। वो भी ज़्यादा वेटेज वाला मार्क्स है कि वो 35% मीन्स बहुत ज़्यादा होता है और 65% होगा वो जो हमारे टेक्निकल में से होगा उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो आप सब देख रहे होंगे। उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दिया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा में मैथमेटिक्स अलजेब्रा सिस्टम एंड लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आएगा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड एंड ट्रांसफॉर्मेशन थियरी। ये जो सारा सिलेबस है वो हमारा मैथमेटिक्स का है जो हमारे गेट के सिलेबस के साथ मैच होता है। तो हम जब गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन की हुई है और करने वाले हो कर रहे हो तो उसका सेम सिलेबस हमें हमारे एनआईलिट के एग्जाम के में काम आने वाला है। तो हमें उसका जो भी पीवाईक्यू होता है उसका भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे एनआईलिट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर ले तो ज़्यादातर एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आते और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते और बाकी भी जो हमारे अदर्स जो टॉपिक्स है वो भी इम्पोर्टेंट, लेकिन हाईलाइट टॉपिक की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो आप सब देख रहे होंगे जो इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी सारा हमारा जो गेट का सिलेबस है और ईएससी का सिलेबस से मैच होता है। अभी आप सब देख रहे हो जब गेट का सिलेबस की बात करें तो ये फोटोलिथोग्राफी वाला जो है एन टब पी टब एंड ट्विन टब सीमोस प्रोसेस वो सारा निकल गया है, लेकिन हमारे जो ईएससी का पेपर होता है उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो हमें पता है कि बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बीजेटी एफएटी मॉस कैपेसिटर मॉसफेट से भी क्वेश्चन आते हैं और स्पेशल डायोड से भी आते हैं जैसे कि एलईडी हो, पिन डायोड हो, एवलांच फोटो डायोड हो, उससे भी काफ़ी सारी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी के लिए हम ईएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर सके। जो बाकी सारे टॉपिक इसमें जो गेट में नहीं है उसका जो प्रिपरेशन करनी हो तो हम ईएससी के क्वेश्चन थ्रू कर सके। वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक होती है हमारे लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहता है हमारे एग्जाम के लिए। अब एनालॉग सर्किट की बात करें तो उसमें क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर की जो सर्किट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और आप सब देख रहे हो कि सिलेबस काफ़ी सारा सिलेबस हमारा गेट के सिलेबस के साथ मैच होता है। बीजेटी मॉस्फेट की जो एनालिसिस होती है, एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं और जो हमारा ओपेम है, ओपेम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है तो उसके बारे में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब डिजिटल सर्किट की बात करें तो आप सब देख रहे होंगे जिसमें हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट है, फिर सिक्वेंशियल सर्किट होता है, एडीसी, डीएसी और जो बेसिक ऑफ
में फिर वो बेसिक ऑफ लॉजिक कहते हैं, उसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। आप सब देख रहे हो जिसमें जो हमारी लॉजिक फैमिली से, उसमें से भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसी का भी हम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रहते हैं, तो उसमें से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सिग्नल एंड सिस्टम की बात करें तो सिग्नल एंड सिस्टम की जो बात करें तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। उसमें हमारी जो मेन सिग्नल एंड सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती है वो इम्पोर्टेंट रहती है। उसमें कॉजालिटी, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं, वो काफ़ी सारी एग्जाम में उसके क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें, फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, फिर जेड ट्रांसफॉर्म की बात करें, वो सारा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन जो होता है, जो हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें सुपर सुपर हेटरोटाइन रिसीवर से इमेज फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार गेट में भी क्वेश्चन आता है, ESC में भी क्वेश्चन आता है, तो उसी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में हम भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन और ASK, PSK, FSK के भी हमें बैंडविड्थ के रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, और TDM, FDMA, CDMA के भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी है और GSM भी है, तो उसी दो टॉपिक का भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम उसकी प्रिपेयर करें। और हमें वायरलेस कम्युनिकेशन और GSM के क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें मिल जाते हैं उसके क्वेश्चन बैंक। अब कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। काफ़ी बार सब कंट्रोल सिस्टम में से तो सारा सब्जेक्ट में से, टॉपिक में से क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि हमें बोडे प्लॉट हो, नाइक्विस्ट प्लॉट हो, PID कंट्रोलर और बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात कर ले, और SHG की बात कर ले, सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात कर ले, ब्लॉक डायग्राम की बात कर ले, तो उसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन हमें दिखने को ही मिल जाए। तो कंट्रोल सिस्टम तो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और उसमें से क्वेश्चन आते ही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करें तो आप सब सिलेबस देख रहे होंगे, काफ़ी सारा सिलेबस है, उसमें एंटेना, वेवगाइड, माइक्रोवेव सब कुछ मिला के जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक सिलेबस बनता है। उसमें हमें वेक्टर कैलकुलस के बारे में, डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स और उसके भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सब आपकी प्रिपरेशन के साथ मैच करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसे ही अपडेट के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।